आज का दिन मेरे लिए एक सौभाग्य का दिन है। व्यक्तिगत जीवन में 75 साल, राजनीतिक जीवन में 55 साल एंड संसदीय जीवन में एक साल के बाद 50 साल हो गए। और ऐसे अवसर पर देश के गणमान्य नेताओं के सामने और आपके सामने यहाँ दो शब्द बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ। और इसीलिए मैंने कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य का दिन है। मैं नहीं जानता कि इतने सालों से लोगों ने मुझे राज्य में और देश में काम करने का मौका मिला दिया, तो मेरी योग्यता क्या है और कहाँ तक मैंने समाज की और देश की सेवा करने के लिए प्रयास किए। मगर आप सब लोगों की उपस्थिति देखने के बाद मुझे महसूस करने लगा कि जो कुछ प्रयास और परिश्रम किए इसका एक रिकग्नाइजेशन देश के सभी वर्ग के सभी राजनीतिक दल, इंडस्ट्री, मीडिया, कई ऐसे वर्ग है, इन सभी लोगों से आज मुझे मिल रहा है। 1967 में मैं पहली बार महाराष्ट्र की विधानसभा का विधायक बना और तब से आज तक चाहे विधानसभा हो चाहे सांसद हो, प्रतिदिन देश के लिए कुछ न कुछ काम करने का मौका मुझे लोगों ने दिया। मैं याद करता हूँ कि इसकी शुरुआत जैसे मैंने कहा कि विधानसभा से शुरू हुई, तो जो मतदाता जिन्होंने मुझे पहले बार विधानसभा में भेजा वही मतदाता चाहे बारामती के हो चाहे माढ़ा क्षेत्र के हो, लगातार 14 चुनाव में राज्य में या यहाँ भेजने का काम उसी मतदाता ने किया। और इसलिए मुझे इन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उनका विश्वास और समर्थन मेरे लिए एक अपूर्व उपलब्धि है। जब मैं मेरे राजनीति के बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आती है कि जब मेरी उम्र अच्छा थी तब मैं कांग्रेस पार्टी का एक्टिव सदस्य बना और यूथ कांग्रेस में काम करना शुरू किया। जो काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए जो कुछ कोशिश होती थी इस पर ध्यान देकर उस समय के महाराष्ट्र के नेता श्रद्धेय यशवंतराव चव्हाण, उन्होंने मुझे संगठन में संसदीय क्षेत्र में शासन में काम करने के लिए बहुत बड़ा मौका दे दिया। एक बड़े राष्ट्र के सुपूत थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी के बाद इस देश का नक्शा बदलने के लिए चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, इन सभी के साथ
मिलकर देश का चेहरा बदलने के लिए जिन लोगों ने काम किया, इनमें से एक वरिष्ठ नेता थे। राजनीति में और खासतौर पर संसद में किस तरह से सभ्यता से काम करना चाहिए, इनका आदर्श उन्होंने हमारे सामने दिया। और इसलिए जब मैं सोचता हूँ कि इतने साल चाहे विधानसभा हो या चाहे राज्यसभा हो या चाहे लोकसभा हो, सुमित्रा जी, एक दिन भी कभी ऐसा आया नहीं कि जिस दिन में सदन की मर्यादा छोड़कर हमने कुछ कदम उठाए, ना कभी सामने गए या कामकाज में रुकावट लाने के लिए कुछ कदम उठाए। लोग हम सब लोगों को भेजते हैं, लोगों की भावना होती है, अपेक्षा होती है कि सदन चलना चाहिए और लोगों की समस्या के बारे में वहाँ ठीक तरह से बात होनी चाहिए। भले हुकूमत में बैठे वाले लोगों की कुछ कमियाँ हो तो वो सामने लाने का अधिकार है, मगर जब तक सदन चलेगा तब तक ही लोगों की यह समस्या हम सामने ला सकते हैं और इसमें जो कुछ दुरुस्त करने की आवश्यकता है वो दुरुस्ती कर सकते हैं। और इसीलिए चौहान साहब से यह संसदीय शिष्टाचार और मर्यादा, इस बारे में कुछ सीखने का मौका मुझे मिला और इसकी मुझे हमेशा खुशी है। बहनों और भाइयों, इस बात को कहने में मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि 125 करोड़ की आबादी वाला बहुभाषी बहुधर्मी हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसे पूरा विश्व एक उभरते महाशक्ति के रूप में देखता है। और इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि हम अपने बहुलवादी, धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णु यानि उदार चरित्र को अक्षुण रखकर अपनी विविधता के साथ विकास के क्षेत्र में हम अग्रसर रहेंगे। मेरा ये दृढ़ अनुभव है कि आर्थिक और सामाजिक विकास के जरिए ही गरीबी और अभाव को दूर किया जा सकता है। इसलिए भले राज्य में हो या राष्ट्र लेवल पर हो, राजनीति में मैंने हमेशा विकास के लक्ष्य को सर्वतोपरि रखा। विकास के माध्यम से ही धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि संकीर्णता को उसके ऊपर उठकर जनता के बीच में सद्भाव और एकता मजबूत किया जा सकता है। विकास ही अकेला विकल्प है जिसके माध्यम से सभी को सुख, समृद्धि और सम्मान दिया जा सकता है। मेरे जीवन के कई साल किसानों की समस्या पर ध्यान देने के लिए गए और मुझे खुशी है। और मुझे एक बात की याद है कि 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जब मुझे कृषि क्षेत्र में काम करने का मौका मिला तो एक 8 या 10 दिन के बाद डॉक्टर साहब मुझसे थोड़े नाराज हो गए और उन्होंने मुझे कहा कि अनाज की स्थिति के बारे में आपका ठीक तरह से ध्यान नहीं है, अपनी स्टॉक की पोजीशन अच्छी नहीं है, अभी तक आपने इम्पोर्ट करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए। मुझे मालूम था कि इम्पोर्ट करने की आवश्यकता थी, मगर मेरा मन तैयार नहीं होता था इम्पोर्ट करने के लिए, स्वाक्षरी करने के लिए। मुझे दुख होता था कि इतना बड़ा देश, खेती के क्षेत्र में मेहनत करने वाला किसान, और ऐसी स्थिति में हमें आयात करने के लिए कदम उठाते हैं, ये स्थिति ठीक नहीं है। और इसलिए ध्यान दे दिया देश के किसानों का,
और जो कोई साइंटिफिक कम्युनिटी है उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इन सभी का, आप और मैं आभारी हूँ कि आज ये देश न खाली देश की अनाज की या भूख की समस्या हल करने के लिए कामयाब हो गया मगर दुनिया का एक अच्छा एक्सपोर्टर बन गया। 2 साल पहले चावल का एक्सपोर्ट करने वाला देश का दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत बना। गेहूँ, चीनी और कपास इसके निर्यात करने वाला दुनिया का 2 क्रमांक का देश भारत बन गया। ये सब उपलब्धि थी। इस मिट्टी पर ध्यान देने वाला किसान की मेहनत और पसीना से इस देश में हो गई और इसलिए मुझे इस बात का बड़ा संतोष है। मित्रों, मेरे जीवन में 75 वर्ष के पड़ाव में मुझे मेरे माता और पिता की याद आती है। मेरे पिताजी सहकारिता में काम करने वाले एक व्यक्ति थे। मेरी माँ बहुत से लोगों को मालूम नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन से पहले पूना डिस्ट्रिक्ट की पंचायत में कांग्रेस की तरफ से 1935 में चुनकर आने वाली पहली महिला थी और उन्होंने एक ही काम किया कि हमारी नई पीढ़ी कैसी शिक्षित हो सकती है और इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दिया और आखिर तक शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ कर सकते हैं इसके लिए उन्होंने योगदान दे दिया। और इसीलिए मैं खुद राजनीतिक जीवन में जैसा ध्यान देता हूँ वैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी ध्यान देता हूँ और विशेषकर नारी शिक्षा पर काफ़ी जोर देने की आवश्यकता है। यह मद्देनजर रखते हुए मैं इस रास्ते से जाने के लिए हमेशा कोशिश करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है और मेरी मान्यता है कि शिक्षा के बिना विकास और अच्छी नागरिकता का संभव नहीं और किसी समाज को बेहतर समाज में बदलने के लिए नारी शिक्षा और नारी सशक्तिकरण यह पहली शर्त है। आज इस मौके पर कोई लंबे वक्तव्य देना नहीं चाहता। मैं कभी कभी आत्मविश्लेषण भी करता हूँ और जो कुछ कमियाँ मेरे व्यक्तिगत जीवन में आई वो दुरुस्त करने के लिए अभी भी क्या कर सकते हैं इस बारे में सोच सकता हूँ। आप सब महान भाव यहाँ आए, अपनी शुभकामना देकर आपने मेरा सम्मान बढ़ाया, इसलिए मैं आप सभी को अभिवादन करता हूँ। मुझे मालूम है कि आप सभी माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सोनिया जी और अन्य नेताओं के कुछ शब्द सुनने के लिए आप यहाँ हैं, इसलिए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करकर आप सबको फिर से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।